Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, children, today in maths we are going to learn something new. आज हम कुछ नया सीखेंगे maths में, okay? But before I tell you what we are going to learn, ma'am is going to show you few objects. ठीक है? Ma'am अभी आपको कुछ objects दिखाएंगी. You watch those objects carefully, okay? Okay, children. So, what do we have? पेंसिल्स है ना, क्या है ये पेंसिल्स. अच्छा तो अभी मैम इज गोइंग टू टेक आउट अ पेंसिल. नाउ चिल्ड्रन, मैम इज होल्डिंग हाउ मेनी पेंसिल. अभी मैम के हाथ में कितने पेंसिल है? वन. कितनी है? वन. सो मैम इज गोइंग टू कीप इट हियर. अब मैम की बास्केट में कितने पेंसिल्स बचे हैं? बहुत सारे है ना. अभी भी मैम के पेंसिल कितनी है अभी यहाँ पे हाथ में? बहुत सारे. ओके और ये बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि ये वन से ज़्यादा है ना. ये वन से ज़्यादा है यानी दे आर मैनी. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वन से जब ज़्यादा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मैनी. ओके, अब ये वन से ज़्यादा है तो लेट्स काउंट कि कितनी पेंसिल्स हैं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. कितनी है? फाइव. तो फाइव वन से ज़्यादा है ना. फाइव, फाइव पेंसिल्स जो है वो वन से ज़्यादा है, राइट. तो ये क्या हुआ? दीज आर मैनी. ओके, ज़्यादा है तो मैनी पेंसिल्स, और ये एक है तो सिंगल है तो ये वन. ठीक है, दिस इज वन एंड दिस इज मैनी. ओके चिल्ड्रन, द मैम विल शो यू वन मोर थिंग. नाउ व्हाट आर दीज? टॉफीज है ना. अब आई एम टेकिंग आउट अ टॉफी. नाउ मैम, नाउ हाउ मेनी टॉफीज आई हैव? वन. कितनी है? वन. और अब इस बास्केट में कितनी टॉफीज है? मैनी, राइट, क्योंकि ये वन से ज़्यादा है इसमें, है ना. वन से ज़्यादा टॉफीज है, एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हुए? मैनी टॉफीज. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट डू वी हैव? अच्छा अभी देखो मैम के पास क्या है? पेबल्स. क्या है? पेबल्स. ओके, अब इतने सारे पेबल्स में से मैम ने ये पेबल निकाला तो अभी मैम के पास कितने पेबल हैं? वन. ठीक है, ये कितना है? वन. और ये कितनी है पेबल्स? यहाँ पे अभी कितने पेबल्स हैं? मैनी, क्योंकि ये वन से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हुए? मैनी. ओके, मैम हैज वन मोर ऑब्जेक्ट टू शो यू. ये क्या है? स्केच पेन्स है ना. अब देखो इतनी सारी स्केच पेन्स है. ओके, अब मैम ने यहाँ से स्केच पेन, एक स्केच पेन निकाला तो अभी मैम के हैंड में कितने स्केच पेन है? वन स्केच पेन, राइट. और इस हैंड में कितने स्केच पेन है? मैनी, क्योंकि ये वन से ज़्यादा है. ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, सो वी लर्न्ड अबाउट वन एंड मैनी. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक होता है यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वन. ठीक है, अकेला होता है वन. और जब बहुत सारे होते हैं यानी एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मैनी. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू नाउ? अभी आप मैम की वीडियो देखो और दोबारा वन एंड मैनी को समझो. ओके, ओके चिल्ड्रन, सो वी स्टडीड अबाउट वन एंड मैनी. ठीक है, अभी हमने वन एंड मैनी के बारे में समझा. तो अभी हम पेज नंबर 11 में आपका, आपकी बुक में वन एंड मैनी का एग्जांपल दिया है, हम इसे भी एक बार देखेंगे और समझेंगे वन एंड मैनी को. ओके, अच्छा नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ बोट. क्या है ये? बोट. बोट किस में चलता है? पानी में, है ना. एंड बोट कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट. ओके, तो अभी बताइए यहाँ पर कितनी बोट्स हैं? वन बोट. कितनी बोट है? वन बोट. और यहाँ पे कितनी है? बहुत सारी, है ना, वन से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं. तो ये क्या हुए? दिस इज़ वन बोट एंड दीज आर मैनी बोट्स. ओके, वन से कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मैनी. ओके, सो दिस इज़ वन बोट एंड दीज आर मैनी बोट्स. ओके चिल्ड्रन, सो यू अंडरस्टूड? तो अभी आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 11 में ये वाला एग्जांपल देखो
ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एंड मैनी. ओके.